दिल्ली बीजेपी के एक नेता ने यह कहा है, रामवीर सिंह विधूड़ी, कि आम आदमी पार्टी के सात विधायक हमारे साथ हैं और 24 घंटों के अंदर बीजेपी दिल्ली में सरकार बना सकती है बशर्ते आला कमान हमें हरी झंडी दे दे। तो यह दावा, दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी अब अपने चरम पर है। इस दावे के बाद सरकार बनाने के लिए बीजेपी की तरफ से बीजेपी के विधायक ये कह रहे हैं कि आला कमान कहे तो हम 24 घंटे के अंदर सरकार बना लेंगे। और ये 24 घंटों में सरकार बनाने के बाद रामवीर सिंह विधूड़ी दिल्ली के विधायक दावा कर रहे हैं, और ये दावा उन्होंने कहा है, ये किया है कि आम आदमी पार्टी के सात विधायक हमारे साथ हैं। और अगर ऐसा होता है, इसमें ज़रा सी भी सच्चाई होती है, तो बीजेपी के पास संख्या बल पूरा हो जाएगा सरकार बनाने के लिए। दरअसल बीजेपी विधायक का ये भी कहना है कि सब कुछ साफ हो चुका है, बस आलाकमान से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। कपिल शर्मा हमारे संवाददाता, जिन्होंने रामवीर सिंह विधूड़ी से बातचीत की है। कपिल, क्या कुछ कहा विधूड़ी ने और कितना दम उनकी बातों में नजर आता है? देखिए, हमने जब रामवीर विधूड़ी से पूछा कि आप कॉन्फिडेंट हैं इस बात को लेकर के कि सरकार बन जाएगी, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और नंबर उनके पास है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सात विधायकों ने उनसे संपर्क किया था, खुद आगे रहकर के संपर्क किया था, और दो तिहाई विधायक टूटने के लिए तैयार है, बीजेपी में मर्ज होने के लिए तैयार है, और ये जो प्रस्ताव है वो उन्होंने बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के सामने भी रखा है, लेकिन फिलहाल जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तैयार नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अभी भी उनको ग्रीन सिग्नल देता है, हरी झंडी देता है, तो वो अगले 24 घंटे में बीजेपी की सरकार बनवा सकते हैं दिल्ली में। तो इस बात को लेकर के पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि नंबर जो जादुई आंकड़ा चाहिए वो कोई इशू नहीं है। कपिल, बीजेपी के अंदर अलग अलग बयान आ रहे हैं, खींचतान नजर आ रही है, क्यों? बीजेपी अध्यक्ष अब से कुछ देर पहले उन्होंने पार्लियामेंट में ये बयान दिया, पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, अगर हमें न्योता मिलता है तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अंदर खाने कहीं ना कहीं इस तरह की जोड़ तोड़ की कोशिशें हो रही हैं? कपिल देखिए, बिल्कुल ये चर्चा बीजेपी के भीतर भी है और बहुत गंभीरता के लेवल पर है ये कि दिल्ली में सरकार बनाई जानी चाहिए और नंबर कैसे जुगाड़ किए जाएंगे और फॉर्मूला क्या होगा, ये सारी जो चीजें हैं उन पर डिस्कशन हुआ है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व हिचक रहा है चूंकि केजरीवाल लगातार आरोप लगाते रहे हैं। क्या रामवीर सिंह विधूड़ी ने आपसे बातचीत में कहीं साथ में से किसी का जिक्र किया, किसी का नाम लिया? देखिए, हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आप उन सात विधायकों का नाम बताएं, क्योंकि पहले भी इस तरह की बात आई थी और केजरीवाल ने ये कहा था कि अगर उनके विधायक टूट रहे हैं तो बीजेपी नेता उनके नाम बताएं, लेकिन फिलहाल रामवीर सिंह विधूड़ी ने उनके नाम बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को वो नाम बता चुके हैं, कौन कौन से विधायक हैं साथ जो उनसे मिले थे, और चूंकि कैमरे के सामने वो उन विधायकों के नाम नहीं बताएंगे क्योंकि उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, इसलिए ये उन्होंने गोपनीय रखा है, लेकिन पूरे दावे के साथ कहा है कि सात के सात विधायक मिले थे और ये